नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आपका स्वागत है फ्रेंड्स आपके अपने चैनल में। और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ इस वीडियो में कि इन चार बातों पर निर्भर करता है सिजेरियन के बाद नॉर्मल डिलीवरी का होना। पर उससे पहले दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अक्सर आपने सुना होगा कि यदि किसी महिला की पहली डिलीवरी सिजेरियन हुआ है तो दूसरा बच्चा भी सिजेरियन होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि थोड़ा सा ध्यान और अपने लाइफ स्टाइल में बदलाव करके आप अपने दूसरे बच्चे को नॉर्मल प्रसव के जरिए जन्म दे सकते हैं। इसके लिए कुछ बातों का आपको ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। माँ के शरीर पर निर्भर, आज के समय में महिलाएं लेबर पेन के दर्द से बचने के लिए सिजेरियन का सहारा लेती हैं, लेकिन वे ये भूल जाती हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हर तरह से सिजेरियन से बेहतर होती है। हालांकि इसमें महिलाओं को कुछ देर के लिए बहुत दर्द जरूर सहना पड़ता है, लेकिन आराम और एक्सरसाइज के जरिए 6 हफ्तों के भीतर महिलाएं फिर से नॉर्मल हो सकती हैं। जबकि सिजेरियन प्रसव के दौरान महिला को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। गर्भधारण, डॉक्टरों ने इस बात की भी पुष्टि की है कि अगर किसी महिला का पहला बेबी सिजेरियन हुआ हो और दूसरा नॉर्मल होता है तो उसके बाद महिला चाहे जितनी बार भी गर्भधारण करें, उन्हें ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता है। बच्चे का वजन, अगर आप सिजेरियन डिलीवरी के बाद दूसरे बच्चे की नॉर्मल डिलीवरी करवाना चाहते हैं तो उसके लिए बच्चे का वज़न संतुलित होना चाहिए। अगर बच्चे का वज़न नॉर्मल से ज़्यादा है तो उस स्थिति में महिला को नॉर्मल डिलीवरी करने में दिक्कत हो सकती है। बच्चे का पोजीशन, अगर पहले सिजेरियन डिलीवरी के बाद के दर्द को महसूस करते हुए आपने दूसरे बच्चे की नॉर्मल डिलीवरी करने का मन बना लिया है तो समय समय पर अल्ट्रासाउंड कराते रहिए ताकि आपको बच्चे की पोजीशन का पता लगता रहे। क्योंकि अगर बच्चे की पोजीशन सही नहीं है तो नॉर्मल डिलीवरी होने में काफ़ी दिक्कत हो सकती है। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलती हूँ फ्रेंड एक नई और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। जब तक के लिए हेल्दी रहें, फिट रहें, खुश रहें। बाय बाय।